सात दिवसीय भागवत कथा का आयोजन तेरापंथ भवन में किया जा रहा है। कथा के पांचवें दिन के अध्याय में कथावाचक मथुरा की साध्वी कृष्णप्रिया उपाध्याय को कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। कथा को लेकर आयोजक शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। कथा में कई महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। शहर के प्रताप जी की प्रोल स्थित तेरापंथी भवन में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा के पांचवें दिन गुरुवार को कृष्ण जन्म के वृतांत पर श्रोता भक्ति रक्ष में झूमते नजर आए। शिव शक्ति सेवा समिति की ओर से किए जा रहे इस आयोजन में वृंदावन धाम मथुरा की प्रसिद्ध कथावाचक कृष्ण प्रिया उपाध्याय ने कथावाचन के दौरान धर्म प्रेमी बंधुओं को श्री कृष्ण जन्मलीला, गोवर्धन पूजा व माखन चोरी लीला की कथा का श्रवण करवाया। कथावाचक कृष्ण प्रिया ने कृष्ण जन्म की कथा विस्तार से सुनाते हुए कहा कि जब कृष्ण के पैदा होने की खबर राजा कंस को मिली तो वह कारागार में पहुंचा। वहां कन्या को देखकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा तो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और आकाशवाणी में कन्या ने कंस से कहा कि तेरा वध करने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है। कथावाचक के अनुसार इसके बाद राजा कंस राक्षसों को ब्रज भेजता है किंतु वे कृष्ण का कुछ नहीं कर पाते। कथावाचक कृष्ण प्रिया ने कृष्ण जन्म के साथ कृष्ण की माखन लीला, गोवर्धन लीला, बाल लीलाओं के दृश्यों का वाचन करवाते हुए कृष्ण के भजन भी सुनाए। इस दौरान कथा पांडाल में श्रोता भजन व भक्ति रस से झूमते नजर आए। आपको बता दें कि सात दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा अगले दो दिन तक और चलेगी। तो जानते हो कन्हैया ने क्या कहा? कन्हैया बोले, मैया तू इन गोपियों की बात का विश्वास करती है? मैं ये मो को बदनाम कर रहे हैं। तू इनको पतिया उतारा। आयोजन मंडल के दुर्गा संघ शर्मा ने बताया कि शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। 26 दिसंबर से शुरू हुई इस कथा दो दिन और चलेगी। वहीं 1 जनवरी को कथा का समापन कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान आयोजन मंडल के पदाधिकारी, सदस्य एवं सैकड़ों महिला पुरुष श्रोता उपस्थित रहे। कथा